हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे को एक दोस्त सुबह सुबह मेरे को 3-4 बार कॉल किया है, बट मैं उस टाइम पूरा नींद पे था, उसका कॉल भी मैं रिसीव नहीं कर पाया इसलिए। बट अभी वो मेरे को बोल रहा था कि मेरे को आके थोड़ा जल्दी से यहाँ से पिकअप करो, बट वो भी आ रहा है पैदल चल चल के। बट बोला था कि उसको मैं ये करता हूँ, फ़ैन को बंद कर लेता हूँ और लाइट भी बंद कर देता हूँ। तो उसको वो मेरे को सुबह में बहुत कॉल किया है, बट इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। अरे यार, पेट्रोल भूल गया, बट क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये रहा पेट्रोल, उसको हम डालेंगे और डालने के बाद यहाँ से जाएंगे। बट और तो गाइस, मतलब पेट्रोल अभी डालना पड़ रहा है। वो भाई, ये मुर्गी इसको क्या करके रख दिया है, शिट क्या करे अभी, इतना इमरजेंसी है। बेचारा पैदल चल चल के आ रहा है गाइस, तो इसलिए बोला था कि थोड़ा सा पिकअप करेंगे, बट दोस्त है, अगर बोलेगा तो जाना ही पड़ेगा ना। तो देखता हूँ इसका पेट्रोल जाता है कि नहीं। बट कल रात को मैं गया था, बट मार्केट में आने का टाइम लेके रखा हूँ भाई, और नहीं तो इसका ये हो जाता है, उसका फ्यूल टैंक थोड़ा सा लीक है इसलिए पूरा उड़ के चला जाता है गाइस। तो इसलिए बोला था कि थोड़ा सा हमें पेट्रोल को ढाल दूँ और बाद में जाए दोस्त को पिकअप करने के लिए। तो अभी फाइनली टंकी भी फ्यूल भी डालना ख़त्म गाइस, और इसको जाके लेके आते हैं और आराम से आके मस्त सबसे बैठेंगे और अच्छा भी लगेंगे गाइस। अकेला अकेला कल रात को भैया चला गया, बट गांव पे चला गया गाइस। उस दिन भी मेरे को ऐसा छोड़ के गया है, इस बार भी गया है ऐसा, इसलिए बोला था कि कोई अगर साथ में रहेगा तो तभी अच्छा लगेगा गाइस। तो मैं अभी इसको अभी स्टार्ट करके देखता हूँ गाइस, फाइनली स्टार्ट होता है कि नहीं। इसका तो कोई टाइम नहीं है, बट कभी कभी फ्यूल भी रहेगा तभी भी स्टार्ट नहीं लेगा, और कभी कभी ऐसा ही अपने आप ले लेता है भाई। हाँ भाई, ले लिया स्टार्ट। तो भाई हम चलते हैं अभी जाके अपनी दोस्त को पिकअप करके लेके आते हैं, आप लोग भी बने रहना मेरे साथ। तो यहाँ पे भाई ने पूरा स्क्रीन पट्टी पूरा खोल के रखा है, गाड़ी बना रहा है भाई, जेट में उठा के जाते हैं और पूरा एंजॉय कर रहा है वो भी, गाड़ी में गाना वाना बजा के। तो भाई ये गाड़ी भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है अभी, शायद उसका भी नाटक स्टार्ट हो गया गाइस, आप लोग देख सकते हो क्या करे अभी वो भाई। ये वो भाई, ये क्या हो रहा है गाइस, न्यूट्रल कर दिया मेरे को, किधर किधर भगा रहा है ये गाड़ी। तो गाइस ये मतलब फाइनली कल आके उसको मैं रखा था और चल भी नहीं रहा था, मैं धक्का धक्का के उधर लेके रखा हूँ। आज ऑयल डाला तो इतना नाटक कर रहा है गाइस, वो स्टार्ट भी नहीं ले रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। और भी कोशिश करते हैं, देखते हैं गाइस स्टार्ट होते कि नहीं, नहीं हुआ तो बस यहाँ पे छोड़ के चला जाएंगे गाइस। गाइस ले लिया, तो चलते हैं हम। पूरा बारिश हुआ था ना गाइस कल रात, इसलिए मतलब कि पूरा पानी पानी पूरा रोड में जम गया, और कल के इतना जोर से बारिश हुआ है गाइस यहाँ पे, मतलब कि पर डे यहाँ पे गाइस हर दिन रात को बारिश हो रहा है, और बारिश भी ऐसा नहीं है, इतना भयंकर हिसाब से बारिश हो रहा है गाइस, मतलब सुबह बारिश भी क्या बताऊँ। अभी ये तो सीजन है गाइस, मतलब कि बारिश चलने का, तो इस सीजन में तो बारिश होना ही पड़ेगा। बट तो गाइस ये गाड़ी भी इतना साउंड कर रहा है उसका चेन में, बट उसको कौन बताएगा। इसको ऐसा ही चलाने वाला हूँ, बट इसको तो ठीक नहीं करने वाला हूँ भाई, इतना काम कर रहा है। ये आप लोग देख सकते हो गाइस, चेन भी इतना ढीला हो चुका है, और क्या करें अभी, कभी भी जाना पड़ेगा बट इसको ये रूट के लिए। बट ये सब गाड़ी ठीक है, अब नया कुछ गाड़ी लेंगे तो भाई चलाएगा तो पूरा गाड़ी की हालत बेहालत हो जाएगा एक साल के अंदर। तो भाई यही चलते आ रहा है, इसको ही चलाऊंगा यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे फाइनली हम लोग का एक तालाब भी है, बट यहाँ पे और ये तालाब को भी देखता हूँ, बट उस दिन तो मेरा पूरा मछली उछली सब चला गया गाइस यहाँ से, और बाइक को तो रखने का भाई कोई सिस्टम ही नहीं है, क्या करें अभी, सुला के रखे क्या यहाँ पे। ऐसा तालाब को भी देख लेता हूँ यहाँ पे, और इसको तो मैं रखा हूँ गाइस, ये देख सकते हो आप लोग, इसका साथ इसका स्टैंड नहीं है, और ये रहा तालाब गाइस, ये देखिए कितना बड़ा है। ये 10 दिन हो रहा है, बट
ये जो वाल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये 10 इंची का वाल है, बट ये वाल तोड़ के पूरा गाइस पानी ऊपर से आ गया और पूरा मछली उछली पूरा निकल गया गाइस यहाँ से। और ये जो मछली वगैरह होता है ये सब हम लोग छोटा से बड़ा तक पाल के बड़ा करता है, बट पाल के बड़ा करने के बाद उसको सेल करता है ऑक्शन में उस टाइम लेके। तो क्या कर रहे हैं अभी नसीब की खेल है, ये भी मैं और मेरा जो बड़ा भैया है वो आके हम लोग दोनों मिलके इसको बनाया होगा, इसको इधर डाल के रखा हो तो। बट पहले ही चला गया मछली, अभी बना के तो कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, तभी भी लगा दिया बना के, अभी क्या करें, इतना बड़ा नुकसान हो गया पूरा। तो ये देखिए पूरा वाल पूरा तोड़ के ये साइड पूरा चला गया गाइस। तो गाइस मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाता हूँ, बट ये रहा पूरा तोड़ के चला गया था, ये नीचे दिखाई दे रहा आप लोगों को गिरा है, तो इसको हम लोग भी लगाया हो, बट ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, बट मछली जाने के बाद में इसको लगा दिया। तो मछली भी गाइस बहुत बड़ा बड़ा है यहाँ पे, छोटा मोटा मछली नहीं है, 2-3 साल का पुराना मछली है, बट आप लोग को पता ही होगा शायद 1.5 किलो की साइज़ के हिसाब से एक एक मछली होगा। बट तो यहाँ पे गाइस फाइनली मतलब इसमें थोड़ा सा जंगल है, बट जंगल जिस पे रहता है उसमें मछली थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए इसमें जंगल ढाल के रखा हुआ है। और ये देखिए गाइस बीच में कितना बड़ा है। तो गाइस ज़्यादा लेट हो रहा है, चलते हैं जाके उन दूसरे लोग को लेके आते हैं, बाद में ये लोग भी शायद नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा इतना लेट कर रहा है, बट तो चलते हैं हम। तो हेलो गाइस, मैं फाइनली मेरा दोस्त लोग को पहुंच चुका हूँ और दोस्त लोग के साथ मिलने के लिए आ गया, बट ये मेरा दोस्त है, बट हम लोग आया था एक साथ में ये करने के लिए। तो हम तीनों अभी जाने वाला हूँ बट घूमने के लिए, और चलते हैं गाइस। भाई मेरा दोस्त ने इतना किक मार रहा है बट गाड़ी तो स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई, तो इसका यही प्रॉब्लम है गाइस। तो हेलो गाइस, तो मैं फाइनली यहाँ पे आके पहुँच चुका हूँ मेरा दोस्त लोग के घर पे, और उन लोग यहाँ पे अभी फाइनली गेम खेलेगा, बट कैरम आप लोग को पता ही होगा शायद, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। और मेरा साथ है हाय, और कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आने के बाद, मेरे को सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे घूमने के लिए उनका पास। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए बस उतना ही, बाय बाय गाइस।